जोजो किड्स। एक तालाब में ईना, मीना और डीका नाम की तीन सुंदर मछलियाँ रहती थीं। वो तीनों आपस में मिलजुल कर रहती थीं, क्योंकि वो तीनों आपस में बहुत प्यार करती थीं, अच्छी दोस्त थीं। एक दिन कुछ मछुआरे उनके तालाब के पास आते हैं और देखते हैं कि तालाब तो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर मछलियों से भरा पड़ा है। मछुआरे लालच में आ जाते हैं। वे आपस में बातें करते हैं। दोस्त, यहाँ तो बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। हम कल सुबह ही आकर इनको पकड़ेंगे। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। इतनी सारी बड़ी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ, अरे मजा आएगा बाजार में बेचने पर। हमें अच्छे दाम मिलेंगे। हा हा हा। ईना, मीना और डीका तीनों मछलियाँ मछुआरों की इन बातों को अच्छे से सुन लेती हैं। कल सुबह तो मछुआरे हमें पकड़ने आ रहे हैं। इस तरह से तो हम सब मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। वो हमें पकड़े इससे पहले अपने परिवार के साथ यह तालाब छोड़ना होगा, कहीं और जाना होगा, क्योंकि हम सबके लिए इस तालाब में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। हम सबकी जान खतरे में है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हुई ना? मैं भी तुम्हारे साथ इस तालाब को छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। ईना और मीना तालाब छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, परंतु डीका इस बात से इनकार करती है और कहती है, कुछ मछुआरों की बात सुनकर हम यहाँ से नहीं जा सकते। मेरी तो यही सलाह है कि हमें यहीं रहना चाहिए और हिम्मत के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। मछलियाँ दो टोलियों में बंट जाती हैं। कुछ इसी तालाब में टिकी रहती हैं, तो कुछ तालाब को छोड़ने की बात करती हैं, और कुछ ईना मीना के साथ तालाब को छोड़कर चली जाती हैं। अगले दिन मछुआरे अपनी योजना के मुताबिक तालाब के पास आते हैं और सारी मछलियों को लेकर चले जाते हैं। मुसीबत आने पर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी जहाँ एक सियार रहता था। एक दिन वह पानी और भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला। तभी उस जंगल का राजा शेर, जो दिन भर भोजन की तलाश कर थक चुका था, गुफा के अंदर जाकर आराम करने लगा। शेर ने सोचा कि रात होते ही जो जानवर इस गुफा में रहता है वह जरूर वापस आएगा, तब वो उसे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेगा। यह सोचकर शेर गुफा में आराम करने लगा और जब ही सियार अपनी गुफा में पहुंचा, तो अचानक उसने गुफा के द्वार पर शेर के पंजों के निशान देखे। कहीं मेरी गुफा के भीतर राजा शेर तो नहीं? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अंदर जाने से पहले पता लगाना होगा, नहीं तो आज राजा शेर मुझे अपना भोजन बना लेगा। सियार बहुत समझदार था। उसने अपनी गुफा के अंदर द्वार और आसपास बहुत ध्यान से देखा। उसने पाया कि राजा शेर के पंजों के निशान भीतर जाने के हैं, परंतु बाहर आने के नहीं। बस इसी बात से वह अब समझ चुका था कि राजा शेर गुफा के अंदर ही था। तभी उसने एक उपाय निकाला और गुफा के बाहर से जोर से आवाज लगाई। गुफा, ओ मेरी गुफा, लो मैं आ गया। रोज की तरह मेरा स्वागत करो, तभी मैं अंदर आऊंगा। राजा शेर ने जब सियार की आवाज को सुना, तो उसे लगा कि वह एक जादुई गुफा में है जो बोलती भी है, पर आज उसके डर से वह चुप है। क्यों ना मैं ही आवाज लगाकर सियार का स्वागत कर दूं? ये गुफा तो मेरे कारण आज बहुत डरी हुई है। कहीं मैं अपने शिकार से हाथ न धो बैठूं। आपका स्वागत है मेरे दोस्त, आओ भीतर आओ। शेर ने सियार का स्वागत किया। सियार ने ठीक सोचा था, गुफा में शेर ही था। सियार अपनी चाल में कामयाब रहा। सियार वहां से भागा और अपनी समझदारी से शेर का भोजन बनने से बच गया। हाथी और उसके दोस्त। एक बार एक हाथी था जिसका नाम था अक्कू।
जंगल में वह अकेला घूम रहा था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था, मगर वह बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाना चाहता था। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। हाथी ने घोड़े से पूछा, घोड़े भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं भाई, मुझे तो तुमसे डर लगता है, तुम इतने बड़े जो हो। हाथी मायूस होकर आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने देखा खरगोश कहीं कुछ खा रहा है, बंदर और कई सारे जानवर साथ में खेल रहे हैं। उसने एक एक करके सबसे पूछा कि क्या वे उनसे दोस्ती करेंगे, पर कोई भी अक्कू से दोस्ती करना नहीं चाहता था। बंदर, नहीं नहीं भाई, तुम तो बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। खरगोश बोला, अरे अरे, मैं तो तुम्हारे पाँव के नीचे जाकर दब जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कैसे खेल सकता हूँ। हाथी मायूस होकर जाने लगा। तभी अचानक कहीं से शेर आया और सभी जानवरों को खाने लगा। उसने किसी जानवर को नहीं छोड़ना था, एक एक करके सबको खा जाता। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। हाथी को शेर की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उसने शेर को एक जोर की लात मारी। शेर वहां से भाग गया। इतने में सभी जानवर हाथी के पास आए। बंदर, हाथी, तुम तो बहुत सच्चे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। खरगोश बोला, तुमने तो हमारी जान बचा ली, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। यह सब सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया और हाथी उनके साथ खूब खेलता, खूब मस्ती करता और उनका ध्यान भी रखता। आलसी तोता। एक पेड़ पर दो तोते रहते थे, किट्टू और मिट्टू। एक बहुत आलसी और दूसरा बहुत ही समझदार था। एक दिन समझदार तोते ने देखा कि पेड़ की जड़ से एक बेल निकल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है, चलो मिलकर इसे काट दें। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए दोस्त, मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल काट लेंगे। ठीक है दोस्त, पर हम कल इसे जरूर काट लेंगे। अगले दिन फिर से तोते ने मिट्टू को आवाज लगाई, मिट्टू मिट्टू, देखो बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है, आओ इसे काट दे, कहीं शिकारी आ गए तो इसके सहारे हमारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। मिट्टू, तुम बात को समझो, अभी तो बेल नाजुक है, मिलकर हम इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई, तो इसे काटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। तोता रोज मिट्टू को आवाज लगाता, लेकिन मिट्टू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। किट्टू तोता अपने बच्चों को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी भी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिट्टू, मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर रहने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मिट्टू तोता आलसी होने की वजह से हर काम कल पर टालता रहा। इसी तरह एक दिन जब शिकारियों की नजर मिट्टू के बच्चों पर पड़ी, तो उन्होंने मजबूत बेल पर चढ़कर मिट्टू के बच्चों को उठा लिया। अंत में मिट्टू को अपने आलसीपन के कारण बहुत पछताना पड़ा। चींटी और हाथी। रानी चींटी बहुत मेहनती थी, सभी चींटियां रानी चींटी की बात को मानती थी, मिलजुल कर वे अपना घर बना रही थी। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो बहुत शैतान था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता था। जब चींटियों का घर बनकर तैयार हो गया, तब वे अपने लिए खाना जमा करने लगी। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो, कितना थक जाते होंगे, मैं अपनी सूंड से
तुम्हारे घर को कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। कुछ पानी पिया और कुछ चींटियों पर डाला। रानी चींटी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हम बहुत दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं अप्पू, पानी डालकर हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू। हम सभी जानवरों को मिलजुल कर जंगल में रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गया। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने अप्पू हाथी की जान बचाने की सोची। वह अप्पू के पास गई और बोली, अप्पू दोस्त घबराओ नहीं, मेरा दोस्त चूहा तुम्हारा जाल काट देगा और इस शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियाँ शिकारी के पास गईं और उसे जगह जगह काटने लगी। शिकारी डर से तिलमिला उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। चूहे ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चींटी रानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। लोमड़ी और कौवा। एक बार कालू कौवे को एक बड़ा चीज का टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी चीज के टुकड़े को लेकर अपने घोंसले के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां से सोमी लोमड़ी निकली और उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ी। कालू के मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर सोमी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और किसी भी तरह चालाकी से अब वो वह टुकड़ा पाना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कालू से कहा, कालू दोस्त तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच, तुम जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है और तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है। तुम बहुत ही अच्छे कौवे हो, तुम्हारा जैसा कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। आज तुम कुछ अच्छा सा गाकर मुझे सुना दो प्लीज। कालू अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह को खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया। सोमी लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वो चीज का टुकड़ा उठाकर भाग खड़ी हुई। बेचारा कालू। अब कालू को समझ आ गया था कि सोमी लोमड़ी चीज का टुकड़ा पाने के लिए ये सब मन घड़ंत तारीफ कर रही थी। बेचारा कालू अपने चीज के टुकड़े से हाथ धो बैठा। एक सीधा सादा हाथी और एक चालाक लोमड़ी दोस्त थे। दोनों साथ में घूमा करते थे। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। आओ, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, अब तुम दोनों में से एक मेरा भोजन बनेगा। यह सुनकर हाथी बहुत घबरा गया। उसने लोमड़ी से कहा, तुम शेर से बात करके देखो। ठीक है शेर भाई, जरा मेरी बात तो सुनो, आपके कान में कुछ कहना है। कहो। शेर भाई, आप तो मेरे भाई हैं, मैं तो आपकी सब बातें मानती हूँ। मुझे खाकर आपका कोई फायदा नहीं, आपका पेट भी नहीं भरेगा, सच कह रही हूँ। इसीलिए एक आपको उपाय बताती हूँ, आपको हाथी को ही खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेट भरेगा। इतना बड़ा हाथी खाने के बाद
दो चार दिन मजे से आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नहीं तो मुझे खा के कल तक फिर भूख लग जाएगी। पर वो कैसे हो सकता है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात मानो, आपको बस मेरे साथ मिलकर हाथी को गड्ढे में गिराना होगा। फिर दोनों ने मिलकर हाथी को गड्ढे में गिरा दिया। अब शेर खुश था कि उसका शिकार कब्जे में है। अब तुम इधर आओ चालाक लोमड़ी, खुद को बहुत चालाक समझती हो, अपने प्रिय दोस्त हाथी को भी मेरे लिए धोखा दे दिया। ऐसा कहकर शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे खा गया, जो दगाबाज थी। प्लीज सब्सक्राइब।